अस्सलाम वालेकुम प्यारी व्यूअर, जैसा कि आप देख रही हैं, ये मैं एक गांव में गई थी। ये उनका बहुत बड़ा घर है, माशाल्लाह इतना खुला सहन है, तकरीबन 2 कनाल पे तो उनका सहन है। और यहाँ इन्होंने बोरिंग कराई है, और ये सूरज देखो, वहाँ पे सूरज है इस साइड पे। और ये इनके ये खाला जी हैं जिनके घर हम गए थे, और ये इनके घर हम गए थे, और ये बहुत अच्छी और बहुत मेहमान नवाज है। और सामने जो बोरियां नज़र आती है, इसमें छलियां हैं, तो इनकी ज़मीनों में छलियां लगी थी, अब इन्होंने इसको करके तो रखी हुई हैं ताकि सूख जाए और ये फिर उसमें से वो आटा बना ले। और ये इनके मवेशी हैं, सुबह सुबह इनके मवेशी ले जाते हैं मर्द चराने के लिए, और फिर मगरिब के बाद ही लेके आते हैं। छोटे छोटे बच्चे घरों में होते हैं, और ये बकरियों के बच्चे हैं, बकरियाँ गई हैं चरने, और बच्चे घरों में होते हैं, इनको कुछ दाने शाने डाल देती हैं, तो जब बकरियाँ आती हैं तो फिर उनका उनका फीड ले लेती हैं। इसके अलावा इनके और भी मवेशी अंदर है, ये एक बकरी है जो यहाँ पे घर में ही है, और बाकी बड़ी बकरियाँ गई हुई हैं, गाय भी गई हुई है, इनकी भैंस भी गई है, और उनके बच्चे अंदर ये इन्होंने बांधे हुए हैं। थोड़ा सा तो अंदर हुए ना, इनकी बहुत अच्छा जिम्मेदार लोग हैं, इनका गुजर ही इन जानवरों पे होता है। बहुत अच्छा, इस घर की एक बच्ची है जो वह दूर एक जगह बैठ के उसका दूध निकाल रही है, गाय का दूर से नज़र आती है लेकिन सामने क्लियर नहीं, इसलिए कि आगे हम लोगों से जाना ही नहीं हुआ, इतना जानवरों के बच्चे खड़े थे रास्ते में, उनका वो गंद भी पड़ा हुआ था, नहीं आगे जाना ही नहीं हुआ, दूर से थोड़ी सी वीडियो बनाई है, दूध नहीं आपकी नहीं आ रही, दो रही है तो बच्ची है, जवान बच्ची है जो इसका दूध निकाल रही थी, ये बैठी हुई है और इसका दूध ये निकाल रही है गाय से। और मैंने देखा कि कुछ लोग पहले टीका लगाते हैं जानवरों को और फिर उनसे दूध लेते हैं, दूध निकाल रही है, यहाँ पे दो रही है इसको। और ये देखें, यहाँ की बच्चियाँ भी बड़ी मेहनत कश है, और ये बच्ची भी बड़ी ही मेहनत कश है, ये अपने भाई के साथ ज़मीनों पर भी काम करती है, जब गंदम की कटाई होती है तो इसका भाई है, और ये दोनों बहन भाई जाके तो गंदम की फसल को ये काटते हैं दोनों मिल के, और रात को ही काटते हैं, सुबह भी काटते हैं, आधी हो चुके हैं। और ज़मीनें इनके घर से ज़रा दूर भी हैं और नज़दीक भी हैं, तो सारे दानों का काम सारा यही करती हैं। घर में भी भाभी है, 5 बच्चे माशाल्लाह, उसके उनके साथ हेल्प भी करती है बच्चों के पालने में। और जिसके भतीजे भतीजियां हैं वो माँ के पास इतना नहीं जाती, कुछ चीज़ लेने फूफी के पास वो बच्चे आते हैं कि अपने से बड़े जानवर भूख लगी हो या कोई चीज़ लेनी हो तो इनके पास आके तो वो मांगते हैं बच्चे, और खुशकिस्मत होती हैं वो नंदे जो अपने भाई के बच्चों को देखती हैं, और खुशकिस्मत होती है वो औरत जिसकी नंद उसके साथ अच्छी हो और उनके बच्चों को पालने वाली और लुक आफ्टर करने वाली हो। आजकल तो ऐसा वक्त आ गया है कि कोई किसी की हेल्प करता नहीं है, लेकिन जो अल्लाह के करीब होते हैं और अल्लाह से डरते हैं वो रिश्तों को निभाना भी जानते हैं, जिनको निभाना आता है इसमें इनका नमक मरते उनके दिल नरम होते, पत्थर दिल नहीं होते, से एक दूसरे के काम आते हैं। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भाईचारा कायम किया हुआ है, सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का रिश्ता बना दिया हुआ है। और भी लेकिन अगर कोई समझे तब ये हम फिर एक और घर में गए, वहाँ हमने खाना खाया, और ये घर की बच्ची है जो इसमें
हड्डियाँ पड़ी हुई थी, लेग पीस की हड्डियाँ, बची हुई हड्डियाँ पड़ी थी, और ये बच्ची आई और इसने एक हड्डी उठाई और इसने मुँह में डाली। ये देखो इसको मैंने कर दिया, देखो बच्ची क्या कर रही है आप, ये खाई हुई हड्डी खा रही है। इस तरह बुलाया खाली हड्डी बच्चों को पकड़ा देती है कि वो चूसते रहे बच्चे। और ये देखें उधर से गलियों में मार कर उनका चल रहा है, पीछे से एक वो गधा भी शांत होता है और साथ में कई जो खिलाड़ी है जो। और ये देखें जंगल, इसी जंगल में ये सारे मान गवाह, ये सब कुछ गवाह बन गए। जहाँ भी अल्लाह का जिक्र होता है वो ज़मीन भी हो, दरख्त भी और परिंदे चरिंदे सब गवाह बन जाते हैं, इंसानों के साथ साथ वो भी गवाह बन जाते हैं। यहाँ पे अल्लाह का जिक्र हुआ है सबसे बड़ा, तो खुद अल्लाह सुनता भी है देखता भी है। ये देखे रास्ते ऐसे हैं जंगलों में लोग रहते हैं। और ये अबू हवा सब पानी फोल्डिंग का साफ सफाई का खुले खुले सहन भी, ये गर्मियों में बाहर सहन में सोते हैं लोग। इनके कई घर ऐसे मैंने देखे हैं जिनमें गेट भी नहीं होता, दरवाज़ा ही नहीं होता उनका। ये देखें कि छोटे छोटे बकरोटे बकरोटियाँ बकरोटे उनको ये घास डाली गई है, उन्होंने कोई टहनियाँ तोड़ी हैं वो उनके आगे रखी हुई और वो मज़े से खा रही हैं। सारा दिन ही माल मवेशी में औरतें बिजी रहती हैं। हम दुआ करें कि मेरा ये गला ठीक हो जाए। ये मौसम ही ऐसा है कि रात ही सर्दियाँ हैं तो ये थोड़ी तकलीफ़ दे के आती हैं जाती हैं, तकलीफ़ दे के जाती हैं। ये सूरज है, देखो सूरज डलता हुआ सूरज, बहुत रोशन सूरज है आज। सूरज पे बादल नहीं है और उसकी देखो साइडों पे सूरज की रोशनी कितनी दूर दूर तक गई है, तो सामने से सूरज है। ये हमें ज़िंदगी का पता देते हैं सूरज, सूरज की तरह चमकते रहो। एक दुआ है मेरी भी दुआ है अब सबके लिए कि सूरज की तरह चमकते रहो, सूरज की तरह तपश ना हो तबीयत, ठंडक हो चांद की तरह, और नसीब के तारे भी जगमगाए जैसे अर्शों के तारे जगमगाते हैं। सबके लिए मेरी दुआ है। ये दरख्तों के और में से कभी चुपता है कभी नज़र आता है, कभी चुपता है कभी नज़र आता है, नहीं आता है सूरज है। ये देखिए ये जंगल में लोग रहते हैं, जो पतले पतले लगे हुए डंडे इससे ये लोग ये जो है ना उन्हें बाजरा लगाया था वो काट के रखा हुआ है, और ये जो पतले पतले से नज़र आ रहे हैं इसी के लोग ये मूड़े और ये चीज़ें बनती हैं। किनारों पे ये लगते हैं, जब कच्चे होते हैं तो इसे झाड़ू बनाते हैं, फिर वो पक्के हो जाते हैं उसके अंदर बांस की तरह, वो बांस की तरह वो पक्का पक्का वो डंडा सा निकलता है छोटा सा, ये भी तोड़ के रख देते हैं। गाड़ियाँ आती हैं भर के ले जाती हैं और बैठ के ये लोग चीके बनाते हैं और इसमें से मूड़े बनते हैं और मैंने क्या क्या डेकोरेशन की चीज़ें बनाते हैं। और फिर बहुत हमारा दिमाग ख़राब है, ये बोलना ही नहीं होगा। ये सूरज, सूरज से हमें बहुत सबक मिलता है। सूरज ना होता तो ये पौधे भी इसी तरह हरे भरे ना हो, हम भी इसी तरह ना हो, इस सूरज से विटामिन भी हमें मिलता है। अगर किसी जगह पे सूरज रोशनी ना पड़ती हो तो पछना पड़ती हो वहाँ पर पौधे ग्रोथ ही नहीं करते। जो फसलें पकती हैं ये इस सूरज की गर्मी से पकती हैं,
और ये जो फ्रूट पकता है वो भी इसी गर्मी से पकता है, सूरज की गर्मी से। पर इस ज़मीन पे गर्मी भी सूरज की वजह से है। अब सर्दियों में क्यों हमें ठंड लगती है कि सूरज साइड से गुजरता है। देखिए एक ट्रैक्टर सामने जा रहा है, इसमें कुछ लोग बैठे, उन्होंने लकड़ियाँ काटी हैं जंगल से और उसको भर के लेके जा रहे हैं। मुझे ये लोग लकड़ियाँ जलाते, यहाँ पे कोई गैस नहीं है, गैस नहीं है, कुछ लोग अपने लिए कोई सहूलत की है सिलेंडर भरवा लेते हैं, चूल्हा लगाया होता उसी से दूध भी उसी पर उगवाते हैं, कोई इमरजेंसी हो तो चाय भी उसी पर पकाते हैं। आमतौर पर आग से ये सारा अपना सिस्टम चलाते हैं। ये देखें दरख्तों के आउट में से चांद भी हमें जांग जांग के देख रहा है कि मेरी वजह से रोशनी, अल्लाह ने रोशनी का सिस्टम सूरज से किया हुआ है। जब सूरज होता है तो दिन होता है, सूरज जब डूब जाता है तो शाम हो जाती है। ये किनारों पे इसकी रोशनी है, सूरज डूब जाए तो उस किनारों पे रोशनी हमें नज़र आती है, इसलिए कि सूरज जब उधर ही होते ज़मीन को सूरज उधर ही जाता है जहाँ पे दिन चढ़ता है, कभी दिन होता ही इस दुनिया की जगह हमारा दिन होता है और कैनेडा में रात होती है। हमारे और उनके टाइम में फर्क है, जब हमारे टाइम में और उनके टाइम में जो विचार घंटे का फर्क, हमारा और एक घंटे का फर्क है, टाइम में दो सौ की तरफ का दो घंटे का, हमारा और इंडिया का आधे घंटे का तब्दील होने इतने ही फर्क है। यहाँ तक कि दिल्ली और कराची के टाइम में भी फर्क है, हमारा और लालू के टाइम में भी दो तीन घंटे का फर्क है। ये सूरज की वजह से जिंदगी उधर ही फ्रीज होती है, सूरज ना निकले तो कई कई साल फर्क बड़ी रहती थी, गलती की नहीं और जिंदगी भी बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। बारिश नहीं मिलते थे किसी पर भी बहुत जमीन नहीं होती, तो अल्लाह ताला ने कितना अच्छा हमारे सिस्टम बनाया, उसने हमारे लिए सूरज को पैदा किया, उसको आसमानों पर चमकाया, चारों बंदा इसे दे दिया, यहाँ पे बड़े एहसान बहुत ज़्यादा जिसकी हद नहीं है। इतनी प्यारी रोड है जो सीधी सीधी जा रही है और सामने सूरज की रोशनी भी नज़र आ रही है। यहाँ अब सूरज नहीं है लेकिन देखिए इसकी रोशनी भी नज़र आ रही है।